तो कैसे हैं आप लोग? क्या आपको पता है कि हमारे दुनिया की जो पूरी आबादी है वो लगभग 7 बिलियन तक पहुंच गई है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितनी बड़ी संख्या है। आप अगर सोचे भी तो एक जिंदगी में पूरी दुनिया के कोने कोने तक नहीं घूम सकते, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है और ना ही एक इंसान दुनिया के सारे एक एक इंसान से मिल सकते हैं। भगवान ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हर इंसान दूसरे से अलग और अनोखा होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाकियों से बेहद अलग हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही बच्चों के बारे में बात करेंगे जिनका होना ही एक नामुमकिन सा लगता है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ब्रिटेन की रहने वाली चार्लेट दुनिया के सबसे छोटी बच्ची कहलाई जाती है। ये केवल 27 इंच लंबी और लगभग 4 kg इनका वजन है। देखने में ये एकदम नवजात बच्चे की तरह लगती हैं, लेकिन फिर भी ये औरों की तरह रोज स्कूल जाती हैं। अगर वो दोस्तों के साथ खड़े हो तो वो एकदम छोटी सी गुड़िया के जैसी लगती हैं। जब ये पैदा हुई तो इनकी लंबाई केवल 10 इंच थी और वजन 1 kg। डॉक्टर ने इनके माता पिता से कह दिया था कि ये 1 साल से भी ज़्यादा नहीं जी पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज वो 8 साल की हो गई हैं और आज भी उनको कपड़े न्यूबॉर्न बेबी वाला ही पहनाए जाते हैं। उनके माता पिता के अनुसार चार्लेट को हमेशा से दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा रही है, इसलिए उनको एक आम स्कूल में ही डाल दिया गया ताकि वो औरों की तरह एजुकेशन ले सके और आगे चल के वो भी लोगों की तरह आम जिंदगी जी सके। मोहम्मद कलीम। इंडिया का रहने वाला मोहम्मद दिखने में तो एक आम बच्चों की तरह ही है, लेकिन अगर उनके हाथों की बात करें तो आप उसे देखकर दंग रह जाएंगे। मोहम्मद की हाथ बहुत ही विशालकाय है। जब वो 8 साल के थे तब उनके हाथों का वजन लगभग 8 kg था। इतने बड़े हाथ के वजह से उनके दोस्त हमेशा छेड़ते थे और चिढ़ाते रहते थे और वो खुद कुछ नहीं कर सकता था। और एक दिन तो उन्हें स्कूल से ही निकाल दिया गया, क्योंकि स्कूल के अनुसार उनकी ऐसी कंडीशन स्कूल के बच्चों को डरा देती थी। लेकिन 2014 में साउथ इंडिया की एक मेडिकल टीम ने मोहम्मद के परिवार को उनके ठीक होने की उम्मीद दी। उन्होंने बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद मोहम्मद के हाथ छोटे करने की कोशिश की। 2015 में उनकी आखिरी सर्जरी हुई। उसके बाद भी उनकी फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट भी चल रही है, जिसके वजह से वो अब खाना खुद से खा सकते हैं और अपना सारा काम खुद से कर सकते हैं। साइमोन एंड जॉर्जेस कुलेन। फ्रेंड, आपने ट्विलाइट मूवी तो देखी होगी। सिमोन एंड जॉर्जेस के पास भी कुछ ऐसे ही शक्तियां हैं। सिमोन जॉर्ज का बड़ा भाई है। 13 साल का सिमोन और 11 साल का जॉर्ज, ये दोनों वायलेंट मूवी के कैरेक्टर के स्वरूप में माने जाते हैं। ट्विलाइट एक वैम्पायर बेस्ड मूवी थी। ये दोनों भाइयों को एक तरह का असामान्य डिसऑर्डर है। उनके त्वचा तेज धूप और रोशनी में जाते ही खराब होने लगती है। साथ ही दोनों भाइयों को आप देखें तो बहुत ही कम दांत है। बढ़ते तापमान के कारण वो दोनों औरों की तरह बाहर नहीं खेल पाते। दोनों भाई घर में ही खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा उन्हें हाई क्वालिटी वाला सनस्क्रीन भी लगाना पड़ता है, साथ ही सर पे टोपी और सनग्लास भी पहनने पड़ते हैं। हाल ही के एक मूवी एक्स मैन में ये शक्तियाँ थी, लेकिन असल जिंदगी में हम इसे शक्तियाँ नहीं कह सकते क्योंकि इससे उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है। निहाल बिटला। इंडिया में जन्मे निहाल को एक आम बच्चे की तरह दोस्तों और अपने भाई बहन के साथ खेलना मस्ती करना बहुत ही पसंद था, लेकिन बच्चे की तरह दिखने वाले निहाल एक असामान्य जेनेटिक बीमारी का शिकार थे। उसे पेजोरिया था। इस बीमारी में उसके उम्र दूसरे के मुताबिक 8 गुना तेजी से बढ़ रहा था। 15 साल की उम्र में ही वो एक बुजुर्ग आदमी की तरह दिखने लग गया था। स्कूल में कोई इनके दोस्त नहीं बनते थे और दूर दूर रहते थे। इसी के कारण वो स्कूल जाना ही बंद कर दिया। इस बीमारी का दुनिया में कोई इलाज न होने की वजह से निहाल की 30 मई 2016 को मृत्यु हो गई, जबकि निहाल सिर्फ 15 साल का ही था, लेकिन उनका शरीर 120 साल के बुजुर्ग के जैसा हो गया था। निहाल इंडिया का पहला बच्चा था जिसे प्रोजोरिया होने का पता चला था। उसे फेस ऑफ प्रोजोरिया कैंपेन के नाम से भी याद किया जाता है। इस छोटे से जिंदगी में भी निहाल पूरे देश में प्रोजोरिया जैसे दर्दनाक बीमारी के बारे में ना ही केवल लोगों को जागरूक किया, बल्कि प्रोजोरिया से पीड़ित और बच्चों को भी ढूंढा और उनकी सहायता की। फू वेंगव्यू। बीजिंग का रहने वाला फू वेंगू एक 15 साल का बच्चा है, लेकिन एक आम इंसान के मुकाबले उसके गर्दन में 3 एक्स्ट्रा वर्टिब्री है।
वर्टिब्री एक प्रकार की हड्डी है जो कि ना ही बस हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है बल्कि हमारे चलने और खड़े होने में भी मदद करती है। एक आम इंसान में केवल 7 वर्ब्री ही होते हैं, लेकिन फू वेंग्यू के गर्दन में 10 वर्ब्री है, जिसके वजह से उनकी गर्दन एक आम बच्चों से काफ़ी लंबी है, जिसके वजह से उन्हें काफ़ी दर्द भी रहता है, साथ में उन्हें चलने फिरने में भी काफ़ी तकलीफ रहती है। 6 साल की उम्र में ही उसके परिवार वालों को उसके स्पाइनल डिफॉर्मिटी के बारे में पता चला। अब वो 15 साल का हो गया है और किस्मत से एक चैरिटी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने उन्हें गर्दन छोटा करने का दावा किया है, जिसके बाद वो औरों की तरह ज़िंदगी जी सके। तो फ्रेंड, ये थे दुनिया के कुछ अद्भुत बच्चे जिन्हें शायद आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। जानकारी कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दे, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।